बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों सबसे पहले हम इल्मे इज़ाफ़े की दुआ पढ़ेंगे। इल्मे इज़ाफ़े की दुआ क्या है? रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्मे इज़ाफ़ा। बच्चों इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सबकी पढ़ाई, तो चलिए हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम जिस सबक की पढ़ाई करेंगे उसका नाम है हजरत ईसा, पेज नंबर 105। किसी ने सुना है हजरत ईसा का नाम? यकीनन आपको ने अपने पेरेंट्स से, अपनी टीचर से सुना होगा। कुरान मजीद में भी बहुत बार अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र किया है। बनी इसराइल वो लोग थे जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से और उनके मानने वाले थे, लिहाजा हज़रत याकूब का नाम क्योंकि इसराइल था लिहाजा उनकी कौम का नाम भी बनी इसराइल पड़ गया था। अल्लाह ताला ने कई जगह पर कुरान मजीद में बनी इसराइल कहकर उनको मुखातिब किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे आखिरी और सबसे मशहूर नबी थे। नबी करीम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 570 साल का फासला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था। अब पैदाइश, प्यारे बच्चों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे नहीं हैं क्योंकि अल्लाह ताला का ना कोई बाप है ना बेटा, वो तो अकेला है। लिहाजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के बतन से अल्लाह ताला के हुक्म से खुसूसी तौर पर पैदा किए गए बग़ैर बाप के, इसीलिए उन्हें रूह अल्लाह कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलकाबात मसीह, कलमतुल्लाह यानी जिसकी पैदाइश कलमे से हुई है, और रूह अल्लाह जिस जो बग़ैर बाप के कलमा इलाही से पैदा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मौजज़ात क्या थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद से जब वो उठे, लोगों ने उनकी माँ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये बिना बाप के कैसा पैदा हो गया, ये इतना पाक दामन औरत थी लेकिन उसके बावजूद भी बिना बाप के बेटा कैसे पैदा हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैदा हुआ बच्चा क्या बोल सकता है? नहीं। तो उन्होंने अपनी गोद में कहा, अपनी माँ की गोद में कहा कि मेरी माँ पाक दामन है और अल्लाह के हुक्म से मुझे पैदा किया गया है, मैं एक नबी हूँ और मुझ पर ये किताब इंजील उतारी गई है। ये इनका सबसे बड़ा मौजज़ा था। इसके अलावा वो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, पैदाइशी अंधे जो लोग होते थे उनकी आँखें वापस ले आते थे अल्लाह के हुक्म से, और कूड़ी एक मर्ज होता है जिसमें इंसान के बहुत धब्बे पड़ जाते हैं स्किन पर, उससे तंदुरुस्त कर देते थे। इसके अलावा मट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह का नाम उस पर पढ़ के फूंकते थे तो वो सचमुच में उड़ने लगता था, वो जिंदा हो जाता। झीलों और दरियाओं को पैदल चलकर वूर कर लेते थे। लोग हज़रत ईसा के पास आते तो उनको बता देते कि तुम क्या खा के आए हो और क्या घर में छोड़ के आए। प्यारे बच्चों हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की तकरीबन 15 सूरतों में आया है। हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद बनी इसराइल तरह तरह के गुमराहियों में मुब्तला थे। शिर्क, बिदअत, झूठ, फरेब, धोखा और दुनियावी जिंदगी में ज़्यादा मशगूल थे और बद अखलाकियात उनमें सराइयत कर चुकी। सिर्फ वही नहीं, उनके बहुत से उलमा भी इसमें गिरफ्तार थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील की किताब अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 साल की उम्र में नबी की हैसियत से तबलीग का आगाज़ किया और नबूवत मिलने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर शहर बस्ती बस्ती जाकर लोगों को इस्लाम का पैगाम देने लगे। जहाँ रात होती थी वहीं सो जाते थे। उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी बीमारों, दुखी लोगों के लिए और मजबूर लोगों के लिए। इस तरह उनका दीन फैलता रहा और दीन की दावत देते रहे और फ़लस्तीन के इलाके तक उनकी
जो दिन दुनियावी दीनी तालीम थी वो फैल गई थी और वो लोगों में बहुत मकबूल हो गए थे। उनकी मकबूलियत से यहूदी जो थे वो उनके दुश्मन बन गए। उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इनको नहीं इनके मामले में बोलेंगे तो ये हम सब पर हावी हो जाएंगे, लिहाजा उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की साजिशें शुरू कर दी। यहूदी फ़लस्तीन के रोमी गवर्नर के पास मुकदमा लेके गए कि हज़रत ईसा ने हमारा दीन को बिगाड़ना शुरू कर दिया है, हमारे दरमियान इख्तलाफात खड़े कर दिए और फितना बरपा कर रहा है। रोमी गवर्नर यहूदियों की मकारियों को समझता था और इस मामले में खुद कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उसने यहूदी उलमा से खुद फैसला करने को कहा तो बनी इसराइल के यहूदी उलमा ने हज़रत ईसा को सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया, यानी उनको फांसी की सजा देने का अंदिया दिया। रूमी सदर ने बददिली से यहूदी उलमा के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म सादिर कर दिया। बनी इसराइल के यहूदियों ने क़ैद में हज़रत ईसा के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत अजियतें दी उनको और उनको तकलीफ दी। उनके हवारी, अब हवारी क्या होते हैं, जो हज़रत ईसा पर ईमान लाए, तो कुरान मजीद में उनका नाम हवारी से मुखातिब किया गया है। उनके हवारियों ने बहुत कोशिशें की कि इनको बचा लिया जाए लेकिन ऐसा ना हो सका। हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा ही आसमान पर उठा लिया और बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत ईसा के छुपे में किसी दूसरे इंसान को सूली पर चढ़ा दिया। हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे और आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत ही बनकर दुनिया में रहेंगे, दज्जाल आपके ही हाथों कत्ल होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है चैप्टर समझ आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।